हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। एंड आज की स्टूडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने बायबिट अकाउंट का KYC प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपने बायबिट एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद गाइज आपने जाना है अपने अकाउंट लोगो पे, एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है आइडेंटिटी वेरीफिकेशन का। तो आपने सिंपली आइडेंटिटी वेरीफिकेशन के ऊपर टैप करना है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के ऊपर टैप कर लेने के बाद गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन लेवल 1 बेसिक वेरिफिकेशन। तो बेसिक वेरिफिकेशन के अंदर गाइस आता है वेरीफाई नेशनलिटी, कि आपने नेशनलिटी को वेरीफाई करना है, नाम वेरीफाई करना है, एंड आपने अपनी आईडी को वेरीफाई करना है, राइट। दूसरा जो है वो है फेशियल वेरीफिकेशन, आपने फेस वेरीफिकेशन को कम्प्लीट करना है। सो यहाँ पर आपने सिंपली वेरीफाई नाउ के ऊपर टैप करना है। वेरीफाई नाउ के ऊपर टैप कर लेने के बाद गाइस अब यहाँ पर है प्लीज़ सेलेक्ट योर नेशनलिटी। तो यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, एंड उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है प्लीज़ सेलेक्ट योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पर आपने अपने रेजिडेंस जहाँ पर आप रहते हैं आपने उस कंट्री को सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, राइट। नेक्स्ट कर लेने के बाद गाइस अब यहाँ पर आपके पास आएगा लेवल 1 बेसिक वेरीफिकेशन, प्लीज़ फॉलो द रिक्वायरमेंट्स बिलो। तो आपने इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है, तो इसके लिए आपने इसको नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आएगा सेलेक्ट द कंट्री वेयर योर आईडी डॉक्यूमेंट वाज इशूड। तो यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट टाइप। सो यहाँ पर आपके पास पहला ऑप्शन है पासपोर्ट। अगर आप अपने पासपोर्ट से अपने अकाउंट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर पासपोर्ट के ऊपर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा जो है वो ओपन हो जाएगा, एंड उसके बाद आप अपने पासपोर्ट को स्कैन कर सकते हैं, राइट। दूसरा जो ऑप्शन है गाइज ये आईडी कार्ड का है। अगर आप अपने आईडी कार्ड से अपने अकाउंट को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर आईडी कार्ड के ऊपर टैप करना है, तो आपके मोबाइल फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, एंड देन आपने अपने आईडी कार्ड के फ्रंट एंड बैक साइड को स्कैन कर लेना है, राइट। सो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट जो है वो अपने आईडी कार्ड से वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आईडी कार्ड के ऊपर टैप कर देता हूँ। एंड टैप कर लेने के बाद गाइज मैं अपने आईडी कार्ड के फ्रंट एंड बैक साइड को स्कैन कर देता हूँ। स्कैन कर लेने के बाद गाइज नेक्स्ट स्टेप आएगा फेशियल वेरिफिकेशन का, तो मैं वो भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो आपने भी ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, एंड स्कैन कर लेने के बाद आपने फेशियल वेरिफिकेशन कम्प्लीट करना है। एंड कम्प्लीट कर लेने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस आ गया है द सिस्टम इज़ रिव्यूइंग योर डॉक्यूमेंट्स, दिस यूजुअली टेक्स अबाउट 2 मिनट्स। सो यहाँ पर आने के बाद गाइज आपने जस्ट 2 मिनट्स वेट करना है, एंड उसके बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, राइट। तो चलो वेट करते हैं 2 मिनट, एंड आफ्टर 2 मिनट्स गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1 बेसिक वेरीफिकेशन वेरीफाइड। लेकिन यहाँ पर गाइज जो रेजिडेंसी वेरीफिकेशन है लेवल 2, ये अभी तक वेरीफाई नहीं है। तो इसको वेरीफाई करने का तरीका बहुत आसान है गाइज, आपने जस्ट यहाँ पर वेरीफाई नाउ के ऊपर टैप करना है, एंड टैप कर लेने के बाद गाइज यहाँ पर आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट योर वेरिफिकेशन एट विल ओनली टेक अबाउट 2 मिनट्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सबमिटेड, सेल्फी सबमिटेड, बट प्रूफ ऑफ एड्रेस नॉट सबमिटेड। तो यहाँ पर अभी प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो सबमिटेड नहीं है, तो इसको सबमिट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू के ऊपर टैप कर लेने के बाद गाइज अब यहाँ पर आ रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस, स्कैन योर प्रूफ ऑफ एड्रेस, द डॉक्यूमेंट शुड कॉन्टेन योर फुल नेम एड्रेस एंड बी नो ओल्डर देन 3 मंथ्स। सो आप यहाँ पर अपने एड्रेस को प्रूफ करने के लिए किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका फुल नेम हो एंड उसके ऊपर आपका एड्रेस हो, राइट। सो आप इस मकसद के लिए अपने आईडी कार्ड या अपने पासपोर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, आपने जस्ट उसको स्कैन करना है। एंड स्कैन कर लेने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है ये अंडर रिव्यू हो गया है, राइट। तो इसके बाद आपने 2 या 3 मिनट वेट करना है, एंड आपका जो अकाउंट है वो फुली वेरीफाइड हो जाएगा, राइट। सो दैट्स इट एंड दिस इज़ द प्रोसेस। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।